सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अभी रात के 8:07 पे हम ग्लोबल इंडेक्स को ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे लगभग 90 पॉइंट्स का एक रैली देखने को मिल जाता है और हम फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रुपी में यहाँ पे एक वीकनेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए कल हमें मार्केट में थोड़ी सी और अपसाइड देखने को मिल सकती है और निफ्टी हमें 11,800 का लेवल ब्रीच करते हुए ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में से 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है और आज हमें इस स्टॉक में लगभग 4% से ज्यादा एक रैली देखने को मिल जाता है। आज इसमें हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाता है। पिछले काफी दिनों से ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को ब्रीच करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज देखे गए इस रैली में इसने इस लेवल को पार कर लिया है। अभी हम इसके मेजर EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं और इसके क्रूशियल EMA लेवल्स जिसे हम 50 डेज के EMA लाइन पे देख पा रहे हैं ये भी अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं हम वॉटिक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। तो कल भी हमें इस स्टॉक में ये रैली जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका नाम एक्सिस बैंक है और करंटली हम इसके ऑर्डर बुक में काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। अगर आप इसके VWAP लेवल को चेकआउट करते हैं तो ये अभी काफी नीचे है और हमें स्टॉक में लगभग 40% के आसपास आज एक डिलीवरेबल क्वांटिटी भी देखने को मिल जाता है। इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी हमें काफी ज्यादा बाइंग कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है, तो आप कल स्टॉक को बाई साइड के लिए अपने वाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है और आज इसने अपना नया 52 वीक हाई भी फॉर्म किया हुआ है, यानी कि इसमें भी आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम इसके 50 डेज के EMA लाइन को और मेजर EMA लेवल्स को काफी नीचे ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं और इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल भी आपको इस स्टॉक में ये बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका नाम बंधन बैंक है। आज इसमें हमें लगभग 5.7% का एक रैली देखने को मिल जाता है और आज इसने 650 के लेवल पे अपना 52 वीक हाई भी फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे हम इसके ऑर्डर बुक में लगभग 66,000 से भी ज्यादा बाइंग क्वांटिटी को देख पा रहे हैं और यहाँ पे हमें लगभग 51% से भी ज्यादा डिलीवरेबल क्वांटिटी भी देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए आप इस स्टॉक को बाई साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी स्टॉक है ये IT सेक्टर को बिलोंग करता है और आज हमें इस स्टॉक में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है। आज इस स्टॉक में हमें लगभग 1-2% का एक रैली देखने को मिल जाता है और इसने आज अपने 50 डेज के EMA लाइन के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके VWAP लेवल्स पे भी एक स्ट्रेंथ यानी कि बाइंग प्रेशर पे एक स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से कल भी ये स्टॉक हमें हाई लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये इंडिया का IT जाइंट TCS है और करंटली हम इसके जो VWAP लेवल्स है उसे काफी नीचे देख पा रहे हैं। ये आज अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे 2194 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे हमें आज इस स्टॉक में लगभग 72% का एक गजब का डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल जाता है। इस वजह से कल स्टॉक में ये बुलिश ट्रेंड हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे आप इसके फ्यूचर लेवल से भी पता कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में हमें सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप कल स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी
प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए सऊदी अरबिया के विजिट पे हैं और उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरबिया को इंडिया के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वजह से अगले आने वाले कुछ ही दिनों में हमें ONGC, गेल, पेट्रोनेट LNG जैसे स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकता है। तो आप इन 3 स्टॉक्स को अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला न्यूज हम देख पा रहे हैं वो हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एक स्क्रैपिंग आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छी खबर साबित हो सकती है। उस सिनेरियो में मार्केट सेंटीमेंट में हमें काफी ज्यादा एक बूस्ट देखने को मिल सकता है और मार्केट में हमें फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन होता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को 11,860 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने के बाद अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो आज हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला और इसने अपने 9 डेज के EMA लाइन के काफी ऊपर 11,786 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसके RSI लेवल में भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। करंटली ये 66 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और कल भी हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके पुट साइड में करंटली 11,700 के लेवल्स पे 24,78,825 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस लेवल पे हमें सबसे ज्यादा 31,875 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हमें 11,700 का लेवल टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कल के लिए इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 11,800 के लेवल्स पे 2.15 लाख और 11,900 के लेवल्स पे हमें 3.45 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स नया ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम 11,800 के स्ट्राइक पे 25,27,200 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो कल अगर निफ्टी 11,800 के लेवल्स के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये 11,900 के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे भी लगभग 17,8,350 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो हम कल के लिए 11,800 के लेवल्स को एक क्रूशियल लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रीच करने के बाद ही हमें निफ्टी में एक बड़ी रैली कल देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो आज हमें इसमें सेकेंड कंसेक्यूटिव डे के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिल जाता है। इसने भी आज अपने सभी क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसे 30,000 के जस्ट नीचे देख पा रहे हैं। ये 29,873 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है और हम इसके RSI लेवल में भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को अभी जारी रहता हुआ देख सकते हैं। करंटली ये 61 पे लेवल पे है और कल हमें इसमें एक और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो आप अगर इसके जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में करंटली 29,500 के लेवल्स पे 3.64,200 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस स्ट्राइक पे हमें 7.22,180 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस लेवल को गौर से रुक करें तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो हम कल इस लेवल को ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें हायर लेवल्स पे 30,000 के लेवल्स पे कॉल्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे हम 1.32 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट को अनवाइंड होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें इस लेवल पे 5.28 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये 30,500 के लेवल्स की ओर कल मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे भी एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो आप कल के लिए 30,000 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।